हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव सीमाज लाइफ। आज मैं किड्स स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो किड्स को हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और डोंट वरी, ये उनके लिए हेल्दी रेसिपी भी है, पेरी पेरी पास्ता। तो बच्चों का तो जी ललचाता ही है ये सुन के कि पास्ता, वाओ। तो पास्ता आपको यूज़ करना है आटे वाला या सूजी वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको पास्ता लंच बॉक्स में देने में। तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से ये मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है। 2 चम्मच तेल और हल्का नमक डाल के पानी में बॉईल कर लिया है और वाटर स्ट्रेन कर दिया। अब मैं पैन में ऑयल गरम करूँगी और उसमें 3 से 4 लहसुन की चॉप्ड कलियाँ डालूँगी और उनको ब्राउन होने तक रोस्ट करूँगी। और फिर इसमें अपना मशरूम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो पसंद करती हूँ, बच्चे भी पसंद करते हैं, तो मैंने तो खूब सारा मशरूम डाला हुआ है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मशरूम हमारे हो गए हैं। इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और फिर इसी में डालूँगी मैं पैन में थोड़ा सा बटर और 1 चम्मच मैदा। मैदा को अच्छे से हमें भूनना है और जब ये अच्छे से भून जाए तो हमको चाहिए कम से कम 1.5 से 2 कप दूध वाइट सॉस बनाने के लिए। मैदा भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। ये मेरी मैदा भून गई है, अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी थोड़ा। पहले इसको मैं छोटे चम्मच से ही मिक्सअप करूँगी जिससे कि सॉस में गुठलियाँ ना रहें। उसके बाद हम विस्कर यूज़ कर सकते हैं सॉस को बनाने के लिए। तो हमारा 1.5 से 2 कप दूध आराम से लग जाएगा वाइट सॉस तैयार करने में। ये देखिए, मैंने और मिल्क ऐड किया और अब मैं विस्कर से इसको चलाऊंगी तेज़ तेज़ जिससे क्रीमी टेक्सचर सॉस का आ जाए। ये देखिए, अब ऑलमोस्ट मेरी वाइट सॉस रेडी है। अब बारी आती है इसमें सीजनिंग करने की। तो पेरी पेरी पास्ता में ऐसी कोई ख़ास सीजनिंग नहीं करनी होती, केवल चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो हर्ब्स और ब्लैक पेपर एज पर योर चॉइस, वो सब डाल देंगे हम। और 1.5 से 2 चम्मच पेरी पेरी मसाला। सबको अच्छे से मिक्स करके ये हमारी सॉस रेडी है। अब इसमें हम स्ट्रेन किए हुए पास्ता और अपने कुक किए हुए मशरूम दोनों डालकर हल्के हल्के इनको मिक्स करेंगे। इनको बहुत तेज़ तेज़ से मिक्स नहीं करना, नहीं तो पास्ता हमारा टूट जाएगा। अगर आपके पास सिलिकन स्पैचुला हो तो उसको यूज कीजिए। मैं अभी भूल गई हूँ सिलिकन स्पैचुला, तो मैंने स्टील स्पैचुला ले ली है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप सिलिकन स्पैचुला से अच्छे से इसको चलाएं। ये मिक्स हो गई अब अच्छे से हमारी पास्ता। अब इसमें बारी आती है क्रीम डालने की, तो क्रीम जैसी आपको पसंद है उतनी क्रीम आप डालें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अभी हमारा पास्ता रेडी हो गया है। अब हमको ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है। ये मैंने बच्चों का निकालने के बाद पास्ता, अपने पास्ता में मैं ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब सॉस बनाई थी उस टाइम ब्लैक पेपर पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि मुझे बच्चों के टिफ़िन में पैक करना था ये पास्ता इसलिए। तो आप लोग चाहें तो उसको उसी टाइम ऐड कर दें ब्लैक पेपर को।
कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि अच्छे से मिक्स होगा। मेरी ये रेसिपी किड्स के लंच के लिए कैसी है प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।